सब्सक्राइब करें मेरे चैनल फूड एजुकेशन एंड ट्रैवल विद डीसी को एंड प्रेस करें बेल आइकन को ताकि आपको मेरे हर वीडियो की नोटिफिकेशन वक्त पे मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन मुगलाई, जिसके लिए लिया है मैंने 1 किलो चिकन। चिकन को कर लेते हैं मैरिनेट। मैरिनेट करने के लिए 1 किलो चिकन के अंदर मैं ले रहा हूँ नमक, साथ में डालता हूँ थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे क्योंकि हम लोग इसमें ऊपर से बहुत सारे सूखे मसाले ऐड करने वाले हैं, इसलिए बहुत कम। हल्दी पाउडर, इसमें लेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा दही। दही ले लेते हैं, लगभग 1 बाउल दही लिया है मैंने। अब इसको हाथों से बढ़िया इसको मैरिनेट करेंगे। मसाले मिला के अब मैरिनेट करने के लिए इसको छोड़ रहा हूँ, लगभग 15 से 20 मिनट मैरिनेट करते हैं, उसके बाद हम लोग तैयारी करते हैं फटाफट। हमारे जो सूखे मसाले हैं यानी कि जो खड़े मसाले हैं उनको कर लेते हैं हम लोग फ्राई। फ्राई करने के बाद उनको करेंगे ग्राउंड। दोस्तों, सूखे मसाले में मैंने लिया है काली मिर्ची ली है मैंने, लौंग ली है 8 से 10, थोड़ा सा धनिया लिया है, 1 पीस दालचीनी की स्टिक ली है, 2 हमारी छोटी हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, थोड़े से मेस यानी कि जावित्री, लाल मिर्च हमने ली है क्योंकि मुगलाई चिकन बना रहे हैं, 2 टाइप की लाल मिर्ची मैंने ली है, 1 कश्मीरी लाल मिर्ची ली है और 1 लिया है मैंने सूखी लाल मिर्ची जो हमारी नॉर्मल वाली होती है, 2 लिए हैं मैंने तेजपत्ता। अब मुझे करना क्या है, मैंने गैस पे हमारी कढ़ाई रख दिया है, कढ़ाई में मैं ये सारी चीज़ें डालूंगा और इसको मैं करूंगा थोड़ी देर के लिए मध्यम आँच में सेकूंगा। थोड़ा सा तेल मैंने लिया है इन मसालों के लिए। अब ये सारे मसाले मैं इसमें ऐड कर देता हूँ, तेल हमारा गर्म हो चुका है, अब इनको मुझे थोड़ी देर भुनना है, उसके बाद मैं ये मिर्ची के जो हमारे ऊपर के डंठल हैं ये निकाल लूँगा और इसको करूँगा ग्राइंड। फटाफट इसको चलाते हैं जब तक मसालों की खुशबू आना ना चालू हो जाए, तब तक मैं इसको ऐसे ही भुनूंगा। बिल्कुल मीडियम फ्लेम पे इसको आप इस तरीके से चलने दें। मसाले भुनने के बाद मैंने इसमें निकाल लिया है, इनको फटाफट कर लेता हूँ मिक्सी में ग्राइंड। मसालों को मैंने कर लिया है ग्राइंड, अब मैं तैयारी करता हूँ प्याज को हमारे तल लेते हैं। तेल मेरा गर्म हो गया है, अब बड़ी बड़ी स्लाइस्ड की हुई प्याज को मैं, जैसे कि बिरयानी के प्याज हम लोग तलते हैं वैसे, मैं इसको तल लेता हूँ। प्याज मैंने 1 किलो चिकन के लिए मुझे लगने वाली है लगभग 250 ग्राम प्याज जो कि मेरी फ्राई करी हुई, मैं इसको बाद में अलग निकालूंगा। इसको फटाफट करता हूँ, उसके बाद करते हैं आगे की प्रिपरेशन। इतनी प्याज है, इसको फटाफट गोल्डन ब्राउन करना है, थोड़ी देर करते हैं उसके बाद इनको अलग करेंगे। दोस्तों, हमारे प्याज जो हैं गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, बिल्कुल बिरयानी के लिए जैसे यूज़ होते हैं वैसे। अब इनको मैं सेपरेट कर लेता हूँ, बचे हुए ऑयल के अंदर हमको इस्तेमाल करना है। अभी इनको निकालता हूँ और इनको फटाफट तेल निकाल के इसको भी मैं पीस लूँगा। अब हमारी जो प्याज है हम इसको ग्राइंड कर लेते हैं। हाफ प्याज मैंने निकाल ली है, इसको ग्राइंड करूंगा, बची प्याज को ऊपर से ऐड करेंगे। अब हमारा है मेन आइटम बादाम, लगभग 50 से 60 ग्राम मैंने बादाम लिया है, इनको भी मैं मिक्सर के अंदर पीस लूंगा। थोड़ा सा हल्का सा इसमें मैं दही या फिर पानी डाल के इसका पेस्ट बनाऊंगा। फ्रेंड्स, मैंने अब इसमें बादाम डाल लिया है, बादाम को मैं फटाफट ग्राइंड करता हूँ, इसका ही पेस्ट बना के अलग रख लेता हूँ और फिर हम तैयारी करेंगे फाइनल हमारे मसालों को पकाने की और उसमें डालेंगे चिकन के पीसेस। बादाम का पेस्ट मैंने बना लिया है, देखिए कितना प्यारा पेस्ट है। अब हम तैयारी करते हैं आगे की। फटाफट हमारा जो बचा हुआ ऑयल है इसको हम लोग अब दोबारा यूज़ करेंगे। इस ऑयल के अंदर थोड़ा सा ऑयल और बढ़ा देते हैं और फिर प्याज डाल के ग्रेवी की तैयारी करते हैं। दोस्तों, तेल मेरा गर्म हो गया है, इसमें डाल देता हूँ जीरा। जीरा डालने के बाद 1 दालचीनी जो मैंने बचा के रखी थी वो इसमें ऐड कर देता हूँ। एडिशनल मसाले मुझे इसमें डालना नहीं है। फटाफट थोड़े से प्याज डाल के इसको करता हूँ और फ्राई। थोड़ी सी प्याज और तेज़पत्ता मैंने इसमें डाला है, इनको फटाफट अब प्याज को हल्का ब्राउन होने तक मैं इसको भून लूँगा। उसके बाद इसमें ऐड करूँगा हमारे चिकन के पीसेस और साथ में जो एडिशनल हमारे पास मसाले हैं जो हमने एक पाउडर बना के रखा है वो और दूसरी चीज़ें। इसी में मैंने ऐड कर दिया है हमारा जो प्याज का पेस्ट हमने बनाया था वो, इसको भी इसमें मिला लेते हैं फटाफट। और इसके बाद इसमें ऐड करते हैं हमारे सूखे मसालों का पेस्ट, सूखे मसालों के पाउडर। इस मसाले में मैंने ऐड किया है थोड़ा सा दही। अब टाइम हो चला है कि मैं इसमें डाल दूं हमारा चिकन। चिकन ऐड करता हूं मैं और फिर आपको बताता हूं ये कैसा लग रहा है।
फ्रेंड्स चिकन मैंने ऐड कर दिया है, अब इसको मैं चलाता हूँ थोड़ी देर। चिकन मैंने ऐड कर दिया है, अब इस चिकन को मैं मध्यम आंच में पकने दूंगा। लगभग 20 मिनट के लिए मैंने इस चिकन को मैरिनेट किया था। अब ये चिकन जो है ये जैसे जैसे अपने जूसेस छोड़ देगा, उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हमारा ये जो हमने करी पाउडर बना के रखा था पहले, करी पाउडर, और साथ में ऐड करेंगे इसमें हमारा बादाम का पेस्ट, और जो थोड़ा बहुत गरम मसाला और हल्के फुल्के मसाले बचेंगे, नमक वगैरह, वो इसमें ऐड करेंगे, फिर इसको पकाएंगे। दोस्तों लगभग 5 मिनट पका लिया है इसको, उसके बाद अब मैं इसमें ऐड कर रहा हूँ हमारा करी पाउडर। फिर इसको करी पाउडर को डालने के बाद इसको थोड़ी देर और पकाते हैं। दोस्तों हमारा चिकन पकना चालू है, थोड़ा सा हल्का सा पानी मैं इसमें ऐड करूँगा। देखिए कितना अच्छे तरीके से ये पक रहा है, दिख रहा है मुगलई चिकन, थोड़ा सा स्पाइसी। हमारा चिकन बहुत अच्छे तरीके से कुक हो रहा है, अब इसमें हम ऐड करते हैं पानी। दोस्तों पानी मैंने ऐड कर दिया है, अब इसको पकने दूंगा। थोड़ी देर बाद जब इसमें मैं दूसरी चीज़ें ऐड करूंगा तब आपसे मिलता हूँ। लगभग 15 मिनट कुक करने के बाद हमारा चिकन इस लेवल तक पहुँच गया है कि इसमें हम लोग अब बादाम का पेस्ट ऐड कर दें। तो मैं इसमें ऐड करता हूँ बादाम का पेस्ट, हल्का सा पानी डाल के ऐड कर देते हैं बादाम का पेस्ट, और फिर इसको थोड़ी देर, जब तक ये पेस्ट इसमें मिल जाएगा ग्रेवी का हमारा रिच हो जाएगा लो, तब हम इसको और चलाएंगे। ये थोड़ा सा पेस्ट बचा है मेरे पास, इसको मैं पानी डाल के ऐड कर देता हूँ, बचा हुआ पेस्ट मैं ऐड कर रहा हूँ। अब हम इसको लगभग 3 से 4 मिनट और पकाएंगे, उसके बाद इसमें ऐड करेंगे क्रीम, फाइनली करेंगे इसको गार्निश। चिकन लगभग लगभग कुक हो चुका है, थोड़ी देर और चलाने के बाद इसमें आ जाएगा फाइनली प्योर मुगलाई टेस्ट। दोस्तों फाइनली इसमें मैं ऐड कर रहा हूँ क्रीम, ये क्रीम ही है जो बहुत प्यारा इंग्रेडिएंट है। 100 ग्राम क्रीम की मेरे पास बॉटल है, जिसका लगभग 50 ग्राम क्रीम मैं इसमें ऐड करूँगा, जो फाइनली इसको देगा रिचनेस और मुगलाई टेस्ट। क्रीम ऐड करता हूँ, थोड़ी देर इसको चलाऊँगा और उसके बाद इसको करेंगे सर्व। फ्रेंड्स फाइनली कुक होते होते कंसिस्टेंसी बहुत प्यारी हो गई है, क्रीम हम ऐड कर चुके थे, अब टाइम आ गया है कि हम इसको 2-1 मिनट और चलाएं, उसके बाद निकालें, सर्व करें। सर्व करने के बाद आपको बताऊंगा कैसा लग रहा है। फ्रेंड्स फाइनली मैंने चिकन की प्लेटिंग कर ली है, मुगलई चिकन हमारा बनके तैयार है, शानदार दिख रहा है। अब इसको मैं टेस्ट करता हूँ, टेस्ट करने के बाद आपको बताऊंगा कैसा लग रहा है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को फूड एजुकेशन एंड ट्रेवल विद डीसी को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपना प्यार इसी तरह मुझे देते रहें।